मेरा नाम है भावना चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए शकरकंद की यानी स्वीट पोटैटो की सब्जी, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं कर्ड यानी खट्टी मीठी सब्जी बनेगी यमी यमी। ये हम बनाएं उससे पहले आपको मैं बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और शेयर लाइक और कमेंट भी कीजिए। मेरे जितने वीडियोज हैं उनको देखिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे लिंक्स को शेयर कीजिए। बेल वाले आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जितने भी रेसिपीज के वीडियोस में डालती हूँ इनको आप देख पाएं और अपना फीडबैक आप मुझे दे पाएं। मेरा पेज भी है फेसबुक पेज, जिसे आप लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की कर्ड वाली खट्टी मीठी सब्जी। शकरकंद की सब्जी यानी स्वीट पोटैटो की सब्जी बनाने के लिए एक पाव शकरकंद जो है वो ले लिए, थोड़े से पतले मैंने लिए, जिस तरह के भी मिलते हैं आप वो ले लीजिए, और दही के साथ ये हम बनाएंगे। तो एक बोल भर के मैंने यहाँ पर कर्ड ले लिया है, और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और स्वाद के हिसाब से नमक। तो चलिए अब लगाते हैं इसका तड़का। दही वाले शकरकंद की सब्जी बनाने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है एक चम्मच भर के जीरा, और अब इसमें जा रही है हींग, उसके बाद धनिया पाउडर, और अब हल्दी और लाल मिर्च। और शकरकंद को हमने पानी में भिगा के रखा था ताकि वो काले ना पड़े, और गोल गोल डाइस किए हमने शकरकंदी के। अगर आप चाहें तो लंबाई में भी इनको कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। और अब इसमें हमने डाल दिया आधा कप वाटर। पानी डालने के बाद इसमें जैसे ही उबाला आएगा शकरकंद को पकने के लिए थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, और स्वाद के हिसाब से नमक भी यहां पर हमने कर दिया है ऐड इसके अंदर। तो सब्जी में उबाला आ चुका है यहाँ पे, और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए तश्तरी से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। सो 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो शकरकंद है, वैसे भी ये बड़े सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और वैसे सब्जी का तड़का घी में लगाया जाता है, लेकिन आज मैंने तेल के साथ इसका तड़का लगाया है। और अब बारी आती है इसमें दही डालने की, तो गैस को बंद करके और इसमें हम ऐड करेंगे कर्ड, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। शकरकंद होते हैं मीठे और कर्ड होता है थोड़ा सा खट्टा, तो वो खट्टे मीठे स्वाद के साथ ये सब्जी बहुत यम लगती है। इसे ज्वार बाजरे की मक्के की रोटी के साथ अगर आप खाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको ये सब्जी खाने में। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश ताजा हरा धनिया, तो ये खूबसूरत शकरकंद की कर्ड वाली यानी दही वाली सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। और इसे आप मक्के की ज्वार की रोटी के साथ खाइए या फिर गेहूं की चपाती के साथ भी खाइए, ये बहुत यम लगती है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है क्योंकि शकरकंदी का मीठा स्वाद और कर्ड का खट्टा स्वाद इसके स्वाद को कई गुना बढ़ाता है। और यहाँ पे तड़का भी बड़ा अच्छा लगा है, वैसे मैंने ऑयल का तड़का लगाया है लेकिन शकरकंद की सब्जी के लिए घी का तड़का लगता है। सो अगर आपको हमारी ये शकरकंद की कर्ड वाली सब्जी पसंद आई है तो आपको क्या करना है, अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। बेल वाले आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस में डालती हूँ उन्हें आप देखें और अपना फीडबैक हमेशा मुझे देते रहे। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रेसिपी को देखने के लिए।